नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, 0222300 1634, 0222300 1635। और सबसे पहले बात करते हैं क्रूड की। कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार गिरावट आ गई है। ब्रेंट का भाव 60 के नीचे फिसल गया है। ईरान के राष्ट्रपति से अगले महीने मिल सकते हैं ट्रंप, ये खबर आई है। और ट्रंप ने ईरान पर लगी पाबंदी में राहत के संकेत दिए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। इस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ एनर्जी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सर, बहुत स्वागत है आपका। ट्रंप के बयान का क्या मतलब निकाला जाए और क्या क्रूड अभी और सस्ता होने वाला है? देखिए, ट्रंप साहब का बयान आया और उससे पहले उनके जो अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मिस्टर बोल्टन, उन्होंने उसको हटाया, तो जो इस बात का विरोध करते थे कि ईरान से कोई बातचीत होनी चाहिए, तो कुल मिला के संकेत जो तेल के बाजार में ये गए हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका और ईरान के जो बीच में बातचीत शुरू हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि वहां पे जो एक शिखर सम्मेलन हो जाए ईरान के राष्ट्रपति का और अमेरिका के राष्ट्रपति का। तो इससे मार्केट के अंदर तेल में ये हुआ कि इसके जो एक स्ट्रेस बना हुआ था, एंग्जाइटी बनी हुई थी, फिलहाल आज की तारीख में वो डिफ्यूज हुआ, तेल की कीमतें नीचे चली गई। और साथ में जो सऊदी अरब की कोशिश होती तेल की कीमत ऊपर जाए, अगर ईरान से कोई बातचीत होती है और कहीं जो है वो पॉजिटिव सिग्नल निकलते हैं, तो जो जो सऊदी अरब की जो ताकत है और ओपेक की जो ताकत है कि वो तेल की कीमतें ऊपर ले जा सकती है, उसमें काफी हद तक उसमें कटौती आ जाएगी। तो ये दोनों ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिससे तेल की कीमतें नीचे गई हैं, और अगर ईरान से संबंधों में सुधार आता है तो ईरान का और तेल बाजार में आने लगेगा, और जो सैंक्शंस है हो सकता है टेंटेटिवली उसको वो विड्रॉ करना शुरू कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओपेक के प्रयास के उत्पादन कम करो, तेल की कीमत ऊपर ले जाओ, और जो सऊदी अरब चाहता है $80 ले जाओ, उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए एक अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। और अमेरिका के चुनाव जब भी राष्ट्रपति के होते हैं तो तेल की कीमतें कम होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो एजेंडा जो अमेरिका का वो भी पूरा होगा। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो महीने हैं और खासतौर से 2020 का साल, जहां तक तेल की कीमत की बात है, शायद एक अच्छा दौर शुरू हो जाए। अच्छा, तो सर क्या आपका अपना अनुमान क्या है प्राइस को लेकर, क्या प्राइस आप देख रहे हैं आगे? देखिए, अगर जो है इस अगर अमरीकी राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति की का शिखर सम्मेलन होता है तो तेल की कीमत जो है वो आप $50 के आसपास के लिए तैयार रही है ना, और अच्छा, उसमें $50 क्योंकि वो अगर ऐसा होता है तो ईरान का जो तेल है वो मार्केट में आने लगेगा। तमाम सारी जो ईरान के जो ऑयल भंडारों के जो कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्रीज कर दिए गए थे, सारे के सारे डी फ्रीज हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट वहां ज्यादा जाना शुरू हो जाएगा, और कुल मिलाकर ओपेक की जो एकता है उसको बहुत बड़ा जो है उसको एक ठेस पहुंचेगी, चोट पहुंचेगा, सेंटिमेंट जो है वो कीमत बढ़े इसके खिलाफ हो जाएंगे। और रूस जो है ईरान को लेकर के, रूस के भी ईरान से अच्छे संबंध है, कोई बहुत ज्यादा नुकसान वो भी नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के जो है वो पॉजिटिव होगा और जो तेल है वो $50 के आसपास जा सकता है, अगर ये जैसा मैंने कहा कि अमेरिका और ईरान वास्तव में नजदीक आते हैं और इनका जो संबंध है वो एक शिखर सम्मेलन तक पहुंच जाते हैं तो। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय इस खबर पर रखने के लिए। तो ऐसे में अजय जी क्या किया जाए, क्रूड में अभी भी आपको लगता है बिकवाली का मौका बना हुआ है और 3925 के आसपास क्या कच्चा तेल बेचना चाहिए? गुड इवनिंग मित्र जी। देखिए, मुझे लगता है कि जो नरेंद्र जी ने कहा है डेफिनेटली वो इम्पैक्टेड था, बट हमने उसका असर कल और आज मॉर्निंग में आते हुए देखा। आज डोमेस्टिक साइड में हमने रुपए में भी जो मजबूती देखी उसी का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है हमको M6 पे, जबकि अगर आप रुपए ओवरऑल अगर आप देखेंगे ब्रेंट अभी भी 60 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है और काफ़ी टाइम से हमने देखा है कि $57 से लेकर $64 का जो रेंज है वो इंटैक्टेड है। और डोनाल्ड ट्रंप के जो भी हमने अभी तक स्टेटमेंट आते हुए देखी है वहाँ पे हमने देखा है कि काफ़ी वेरी रहता है, चाहे हम ट्रेड वॉर की बात करें, एक तरफ हम बोलते हैं कि ट्रेड वॉर नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ तुरंत ही एक सैंक्शन आ जाता है। तो टाइमिंग जब तक ये मटेरलाइज नहीं होता ईरान वाला इशू, आई थिंक प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। $60 का लेवल ब्रेंट नहीं अगर तोड़ता है तो फिर से मुझे लगता है कि तेजी का रुख मिल सकता है, जिस दिन
से कल इन्वेंट्री जो ड्रॉप दिखा रही है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लो लेवल पे बाइंग फिर से बनेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी आएगी। इससे पहले भी हमने एक व्यू रखा था कि 50 से लेकर 65 से 68 डॉलर का जो एक ब्रॉडर रेंज है वो अगले एक साल के लिए काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, लेकिन अगर इकोनॉमी रिवाइव होती है तो अगेन डिमांड बढ़ेगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो ईरान वाला पॉइंट था वो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर गया है। 3900 3910 पे जाके कंसोलिडेट करना चाहिए और प्राइसेस में फिर से एक जंप देखने मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। लेकिन इस बीच आईपी और सीपीआई के नंबर आ गए हैं। ये आपको बता दें कि आईपी के मोर्चे पर अच्छी खबर है कि आईपी ग्रोथ बढ़ी है 4.3% ये आईपी की ग्रोथ रही है। हालांकि अनुमान जो है वो करीब 2.25% के आसपास था, लेकिन उसके मुकाबले उससे बढ़कर आईपी ग्रोथ हम देख पा रहे हैं 4.3% का। अनुमान करीब 2.25% का था। महंगाई में महंगाई के जो आंकड़े आए हैं अगस्त सीपीआई के 3.21% 3.15% से बढ़कर 3.21%, तो कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं है महंगाई में। लेकिन आईपी के मोर्चे पर अच्छी खबर है कि आईपी की ग्रोथ अनुमान से काफ़ी बेहतर रही है। 4.3% की ग्रोथ जुलाई में आईपी की रही है, तो एक राहत की खबर। जबकि लगातार इकोनॉमी को लेकर ख़राब खबरें आ रही हैं, जीडीपी के नंबर कम हुए थे और तमाम जो आंकड़े आए और जो तमाम रिएक्शन मार्केट का हमने देखा वो थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली खबरें थी। लेकिन इन तमाम चिंता वाली खबरों के बीच ये एक अच्छी खबर आई है कि आईपी की ग्रोथ जो जुलाई के महीने में है वो 4.3% रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक बार फिर से लौटते हैं कमोडिटी मार्केट पर। क्रूड की हम बात कर रहे थे, क्रूड को लेकर हिमांशु आपका क्या आउटलुक है, इस भाव पर आप क्या ट्रेड देख रहे हैं? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, और आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए हिमांशु, जैसा कि अजय जी ने भी डिस्कस किया, काफ़ी हद तक कि जो ईरान का न्यूज़ फ्लो है और जहाँ तक ये डिमांड का लेकर ओपेक ने अपना जो आउटलुक का घटाया है वो काफ़ी हद तक कल और आज की गिरावट में प्राइस दिन है। अगर WTI की बात की जाए तो 54.80 डॉलर पर यहाँ पर एक स्टिफ सपोर्ट स्ट्रांग सपोर्ट बना हुआ है और भारतीय बाजारों में भी 3900 के लेवल पर एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि करंट लेवल्स पर यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए, यहाँ पर रिवॉर्ड टू रिस्क फेवरेबल नहीं है। हालांकि अगर कोई उछाल मिलता है 3980 के आसपास तो इंट्राडे के लिए ज़रूर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है यहाँ पर अब बिकवाली से बचना चाहिए। अगर प्राइसेस 3900 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन होते हैं तब यहाँ पर आगे चल के और गिरावट देखने को मिल सक्ती है, बट करंट भाव पर यहाँ पर बिकवाली करने से बचना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं करंट रेट पर बिकवाली करने से बचें। 90 रुपये इस वक्त नीचे है MCX पर क्रूड, 3916 का लेवल अभी दिख रहा है। अजय जी, क्या 3916 पर क्या करें? देखिए 3916 में जिस ढंग से फॉल देखा तो ये घबराहट जरूर रहती है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 3920 3930 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाइंग करना चाहिए, अदरवाइज ऑप्शन के जरिए इसमें एंट्री की जा सकती है जो मुझे काफ़ी लुक्रेटिव लग रही है एज ऑफ नाउ। 4000 का जो कॉल है वो 3540 के करीब चल रहा है, यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 10 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में मुझे लग रहा है 90 से लेके 120 तक का जंप देखने मिल जाता है। जनरली ऑप्शन में एंट्री करने से अपना रिस्क काफ़ी कम रहता है एज कम्पेयर टू रिवॉर्ड, तो आई थिंक ऑप्शन के जरिए आप क्रूड में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है रॉबिन का, मेरठ से हैं हमारे साथ, पूछिए रॉबिन। हाँ मृत्युंजय जी, आपको जो है जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरे सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अरे बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था सर, 4300 पहले आएगा ये 3500 पहले आएगा? क्या 4300 पहले आएगा या 3500 पहले आएगा सर? क्रूड में अच्छा, 4100 पहले या 3500 पहले? नहीं, मुझे लगता है प्राइजेस अभी ऑलरेडी स्टेबिलिटी में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 4000-4050 तक का एक बार बाउंस है, उसके बाद मार्केट में हो सकता है फिर से गिरावट है। बट एज ऑफ नाउ मैं समझता हूँ जो न्यूज़ थी वो ऑलरेडी डिस्काउंट कर गई, चाहे हम US ईरान की बात करें चाहे US चाइना की बात करें, ट्रेड टेंशन भी जो कूल डाउन हुआ, तो आई थिंक पहले 4000 से 4050 तक का जंप आना चाहिए, उसके बाद जो मार्केट में नए फैक्टर्स होंगे वो प्राइजेस को गाइड करेंगे। ओके, ठीक है, तो ये राय क्रूड के ऊपर है। इस तेज गिरावट के माहौल में आपको करना क्या है? लेकिन अब शुरू करते हैं सवाल जवाब, और पहला सवाल है संजीव का दिल्ली से, पूछिए संजीव। मृत्युंजय जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया जी।
बताएं। आज गोल्ड में ट्रेड करना है तो सर जी क्या ट्रेड करें? लेकिन गोल्ड में अगर ट्रेड करना हो तो क्या करना चाहिए बताइए हिमांशु जी, क्या 38,000 के आसपास गोल्ड में बाइंग का मौका है, क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर जो करेक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुई है। अभी कुछ मिनट पहले यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 10 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया है और नवंबर से वहाँ पर एक स्टिमुलस पैकेज का भी अनाउंसमेंट किया है, उसके चलते उस न्यूज़ फ्लो के चलते यहाँ पर इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है। मुझे लगता है यहाँ पर इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रिक्टली इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से 38,150 के आसपास बिकवाली की सलाह रहेगी, 38,300 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और मुझे लगता है यहाँ पर एक बार 37,700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि लंबी अवधि के नजरिए से अगर बात की जाए तो इस गिरावट के बाद 37,600 के आसपास से फिर से एक बार खरीदारी करके चला जा सकता है। ओके, अगला सवाल रामविलास का है गुवाहाटी से, पूछिए रामविलास जी। सर जी नमस्कार, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू, पूछें सर। सर जी आज के सत्र में क्रूड 41 का लेवल दिखा सकता है? आज के सत्र में क्या कच्चा तेल 41 का लेवल दिखा सकता है, मुमकिन है क्या? डाउटफुल। 4,000 तक का लेवल फिर भी लग रहा है कि 3,980 से 4,000 तक का लेवल बाउंस हो जाए, बिकॉज एज ऑफ नाउ कोई बड़ा न्यूज़ नहीं रहेगा जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। ईसीबी की जो अपडेट आई डेफिनेटली एक कमोडिटी काउंटर को सपोर्ट करेगा, बट आई थिंक 3,980 से 4,000 तक का लेवल एक क्रूड में बाउंस देखने में मिल सकता है। ठीक है, किशन है हमारे साथ बीकानेर से, पूछिए किशन। नमस्कार सर जी। नमस्कार, पूछिए। सर जी ग्वार के बारे में पूछना, एक महीने में क्या भाव आ जाएगा? ओके, एक महीने में आप कह रहे हैं कि ग्वार का क्या भाव हो जाएगा? 4,183 ये क्लोजिंग प्राइस है अक्टूबर वायदा ग्वार का, क्या भाव देख रहे हैं आप हिमांशु जी? देखिए यहाँ पर लोअर लेवल्स पे एक सपोर्ट जरूर देखने को मिल रहा है अगर ग्वार गम की बात की जाए तो 8,000-8,050 के लेवल्स पर मुझे लगता है यहाँ पर फॉलो अप बाइंग 8,150-8,200 के ऊपर अगर सस्टेनेबल क्लोजिंग देखने को मिलती है तो मुझे लगता है एक महीने में 8,400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। एग्री मार्केट में अजय जी सोयाबीन में क्या और तेजी की गुंजाइश है या अपसाइड अब पूरी हो चुकी है? देखिए सोयाबीन में जो लास्ट दो दिन में जो जंप आया है वो काफ़ी अच्छा जंप रहा है, नो डाउट। हमने इस बार सोइंग में अच्छी एरिया देखी थी, प्रोडक्शन भी अच्छा बोल रहे थे, बट उसके बाद हमने देखा कि लास्ट वन वीक से जो मानसून काफ़ी एक्टिव हुआ है एमपी बेल्ट में और खास करके अभी जो अलर्ट आया है रेड अलर्ट IMD से, ये कहीं ना कहीं डैमेज के संकेत देता है और मुझे लगता है कि ये प्राइजेस को और अपसाइड ले जाएगा जो करीबन मुझे लगता है 3,800 तक का लेवल है। इंटरनेशनल में भी हमने देखा $870 का लेवल क्रॉस कर चुका है, जिस ढंग से US और चाइना के बीच में ट्रेड टेंशन कमजोर पड़ा है तो ग्लोबल संकेत भी पॉजिटिव, तो आई थिंक टाइमिंग मुझे लगता है तेजी का ही रुख रहेगा, जो 3780 से लेकर 3800 तक का लेवल सोयाबीन में देखने मिल जाएगा। ठीक है, ये इस पर आप नज़र रखिए और 3760 वैसे टारगेट आपको दिया जा रहा है सोयाबीन का, आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 3709 रुपए का है। राजेंद्र हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश से, पूछिए। सर चने का क्या आउटलुक लग रहा है? चने का आउटलुक, ओके, क्या आउटलुक आप देख रहे हैं हिमांशु जी चने का? देखिए फिलहाल यहाँ पर एक वीकनेस बनी हुई है, 4,100 पर एक स्टिफ रेजिस्टेंस है अक्टूबर वायदा में और मुझे लगता है कि यहाँ पर वापस से अगर इन लेवल्स पर आता है तो एक बार से बिकवाली देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 4,100 से 3,900 के बीच में यहाँ पर एक दायरे में कारोबार हो सकता है। अगला सवाल शरद का है दिल्ली से, पूछिए शरद। सर जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बताएं। सर मैं अजय केडिया जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरा सवाल उनसे है निखिल के ऊपर, अभी एक महीना है मतलब आगे एक महीने का क्या आउटलुक है सर निकल पर? आगे एक महीने का आउटलुक निकल पर, करिए जी आपके फैन हैं तो इनको क्या तोहफा देंगे आप, एक महीने में कहां तक भाव पहुंचाएंगे निकल का? सर तोहफा तो आपको देना चाहिए, जन्मदिन आपका है। तो मुझे मिलना चाहिए आपको मिलना चाहिए। देखिए निकल में आउटलुक काफ़ी बुलिश था हमारा, जो हमने 950 रुपये से 1300 का लेवल जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो पूरा अचीव कर गया है। टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट ओवरस्टीम हो चुकी है, एक करेक्शन मार्केट में ड्यू जरूर है।
ऑलरेडी हमने देखा 1300 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाए, तो आई थिंक अगर 1270-80 का रेंज भी मिलता है तो बेच के चलिए, 1320 का स्टॉप लॉस लगाइए। डाउनसाइड में मुझे लगता है कि 1150 से 1120 तक का लेवल निकल में देखने मिल जाएगा, क्योंकि जो इंडोनेशिया वाली स्टोरी है ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है, प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है, लॉन्ग से बचिए। नीचे में मुझे लगता है 1150 तक का लेवल निकल में मिल जाएगा। ठीक है, विनय है हमारे साथ बुलंदशहर से, पूछिए विनय। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। क्रूड में सर बाइंग कर सकते हैं सर अभी इस लेवल पे या थोड़ा और नीचे आने पर? क्या क्रूड अभी खरीदें इस लेवल पे या थोड़ा और नीचे आने दें, क्या सुझाव है आपका हिमांशु जी, एक बार फिर से बताएं। देखिए खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा एग्रेसिव कॉल रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा वेट किया जा सकता है। हालांकि जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि करंट लेवल्स पर लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म सपोर्ट्स ज़रूर नज़र आते हैं, बट जिस तरह का यहां पर बिकवाली का माहौल देखने को मिला है पिछले दो सेशंस में, मुझे लगता है कि यहां पर थोड़ा सा अभी अवॉइड करना चाहिए। अगर यहां पर आज का सेशन वापस से 3980 4000 के ऊपर आज या कल में वापस रिकवरी देखने को मिलती है, तब मुझे लगता है कि यहां से वापस से एक बार तेजी की जा सकती है। सवाल जवाब जारी है और अगला सवाल है हैप्पी का, सिरसा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार, पूछिए। सर जी ग्वार का क्या करें, ग्वार है किसान है बड़े, 100 क्विंटल ग्वार बेचें क्या रखें अभी तक? जी 100 क्विंटल ग्वार है बेचें या रखें, क्या क्या करें? ग्वार एक मैजिकल फिगर में चल रहा है, जो 6 महीने से हम लोग कंटिन्यू बोल रहे हैं कि 4100 के नीचे नहीं जाएगा, 4450 के ऊपर नहीं जाएगा। अभी भी रिसेंटली जो फॉल आया भी वो 4100 का लेवल छुआ बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो वीकली बेस पे जब तक ये 4100 के नीचे क्लोज नहीं देता, और उसके फंडामेंटल ऐसे हैं इस बार ग्वार के जो लग भी नहीं रहा कि 4100 या 4000 का लेवल छुए, तो आई थिंक जब तक 4100 के नीचे नहीं जाता बिल्कुल ये बने रहना चाहिए। और ऊपर में 4450 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंट है, अगर ये तोड़ देता है तो आई थिंक वापस 4800 तक के लेवल मिल जाएंगे, बट एज ऑफ नाउ मार्केट कंसोलिडेशन फेज में बेटर इसको होल्ड करके चलना चाहिए। कैलाश है हमारे साथ सदलपुर से, पूछिए कैलाश। सर गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग, पूछिए। जन्मदिन मुबारक हो सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पूछे। सर सिल्वर मैंने 51,200 में ली थी, फिर आज मैंने 47,572 में ली है, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए हिमांशु जी? देखिए अगर आपने आज तेजी की पोजीशन बनाई है 47,500 के भाव पर, तो मुझे लगता है आपको पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। यहाँ पर जिस तरह से ईसीबी की तरफ से इंटरेस्ट रेट्स कट्स हुए हैं और स्टिमुलस के अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे लगता है पॉजिटिव है बुलियन सेक्टर के लिए, और आगे चल के आपको चांदी में और तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज के लिए मुझे लगता है कि 48,200 और 48,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप नजर रखिए, 554 रुपए अभी सिल्वर ऊपर है, 48,000 के ऊपर इसमें ट्रेड हो रहा है। ठीक है, कैस्टर पर अभी अजय जी क्या आउटलुक है आपका, यहाँ पर कुछ एक्शन अभी आप देख रहे हैं आगे? कैस्टर में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है प्राइजेस में, इनफैक्ट आज भी हमने देखा कि प्राइजेस 5800 के नियर बाई है, पिछले 2-4 सेशन से ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली अगर चार्ट की बात करें तो मुझे लगता है 6000 के नीचे जब तक सस्टेन है पॉसिबिलिटी है 5500 के लेवल फिर से दिखा दे, बट कुछ खबर है कि डोमेस्टिक मार्केट में फिर से एक बाइंग इंक्वायरीज बढ़ी है जब से US और चाइना के बीच में ट्रेड टेंशन घटा है, तो मुझे लगता है एज ऑफ नाउ 750 नीचे में ऊपर में 850 ये दायरे में रहेगा। लेट्स सी अगर नेक्स्ट हफ्ते में अगर 5900 का लेवल तोड़ देता है वॉल्यूम के साथ तो एक जंप आ सकता है, अदरवाइज मुझे लगता है एक बार कंसोलिडेशन के साथ ही रहना चाहिए, फ्रेश क्लोज मार्केट में आने थोड़े बाकी है। ठीक है, गौरव हैं हमारे साथ सिरसा से, पूछिए गौरव। सर जी। जी पूछे। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार, पूछिए। सर जी साफ है कपास की है, नर्मा चुगर 20 क्विंटल क्या बेचेंगे भी रखेंगे आगे क्या? कॉटन, ओके, क्या क्या किया जाएगा कॉटन में? देखिए कॉटन में हमें लगता है कि इस बार क्रॉप साइज अच्छे हैं, डिमांड बिल्कुल मार्केट में मैच नहीं कर पा रही है, प्राइजेस भी देखें तो 20 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे कॉटन के। टाइमिंग मुझे लगता है थोड़ा सा मानसून जो एक्टिव है काफ़ी ज़्यादा, इसकी वजह से हो सकता है प्राइजेस में शॉर्ट टर्म में वापस 19,800 तक का जंप आ जाए या 20 के करीब मिल जाए, बट ये सस्टेनेबल नहीं है। जिस ढंग से हमने देखा है ग्लोबल मार्केट में भी स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं, चाइना बांग्लादेश यहाँ से भी डिमांड बिल्कुल निकल नहीं पा रही है, तो आई थिंक बेटर है कि थोड़ा अगर बाउंस मिलता है 19,800-19,900 के करीब तो बेटर इनको निकल जाना चाहिए, इनका अगर फिजिकल स्टॉक है तो ऑफलोड करना चाहिए, प्राइजेस में मुझे लगता है फिर से गिरावट का रुख देखने मिल जाएगा। ठीक है, भरत हैं हमारे साथ सिरसा से, पूछिए भरत जी। हाँ हमारा प्रश्न है अजय के लिए से, हम जानना चाहते हैं निकेल पर जो इंडोनेशिया बैन लगाया था, हाँ हाँ तो क्या हुआ, बैन हटा दिया कि क्या
कोई जानकारी है क्या? सर बैन लगा दिया है वो 2022 से लागू होगा, जो न्यूज है ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है, उसी की वजह से हमने 1000 रुपए से प्राइजेस 1300 का भाव होते हुए देखा है। तो जनरली ऑलरेडी ये स्टीम इन हो चुका है प्राइजेस में, तो आई थिंक हमने भी काफ़ी अच्छी तेजी देखी, हमने 300 पॉइंट की रैली भी आते हुए देखी है। अब ये सही मौका है, यहाँ पे लॉन्ग से निकल जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि प्राइजेस में जो ओवर स्ट्रेच हो चुका है अब ये कूल डाउन करेगा, जो 1100 तक का लेवल मिलेगा। तो जो इंडोनेशिया की बैन वाली न्यूज़ है वो अभी भी कायम है, बट डिस्काउंट हो चुकी है मार्केट में। 1320 के नीचे प्राइजेस सस्टेन करता है तो प्रॉबिलिटी पूरी है कि 1140 से 1100 तक के लेवल निकल में देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए और यहाँ पर आप ट्रेड करिए जो अभी रिकमेंड आपको किया गया है। लेकिन मेटल में निकल के अलावा क्या कॉपर में भी कुछ ट्रेड का अभी मौका दिख रहा है आपको हिमांशु जी, या कॉपर में कोई दम नहीं है अभी, क्या क्या देख रहे हैं आप? नहीं देखिए, काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर मेटल्स में थोड़ी सी पिछले एक या दो ट्रेडिंग सेशन से ट्रैक्शन देखने को मिल रही है, और कॉपर भी उनमें से एक काउंटर है जिसमें एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। मुझे लगता है यहाँ पर 451 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ तेज़ी की जा सकती है, 456-458 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हाशमी का, हिम्मत नगर से हैं हमारे साथ, पूछिए हाशमी। जन्मदिन की आपको शुभेच्छाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा गोल्ड के लिए है, दिवाली के लिए आउटलुक, उसमें तेजी हो सकती है या मंदी, वो नंबर के साथ में। नंबर के साथ में बताइए, दिवाली में तेजी या मंदी? बिल्कुल तेजी होगी, और सोने में मुझे लगता है कि आज जो ईसीबी का पॉइंट आया है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी रैली का संकेत दे रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल में हमने $1480 का लेवल बचा रखा है इस बार। तो जब तक 1470-1480 का लेवल नहीं तोड़ता है, मुझे लगता है 1520 का पहला लेवल, और एक बार 1520 के ऊपर निकला तो डॉलर टर्म्स में हम लोग $1580 देख रहे हो, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में ये 40,000 का लेवल क्रॉस कर जाएगा दिवाली तक। वहीं इनको सलाह रहेगी गोल्ड के मुकाबले आप चांदी पे ध्यान दीजिए, जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो जून में 93 छूने के बाद 80 का लेवल ब्रिज कर चुका है, हिस्टोरिकल एवरेज इसका 62 का है, जो दर्शाता है कि आने वाले महीनों में चांदी ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगी, जो चांदी में हम लोग 52,000 से 53,000 का लेवल दिवाली तक देख रहे हैं। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मुझे लगता है बेस मेटल में निकल थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, करंट मार्केट से थोड़ा भी अगर बाउंस मिले बेच के चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 1240 का है, बट ओवरऑल मुझे लगता है ये 1200 का भी लेवल जल्द तोड़ सकता है। आपकी कॉल हिमांशु जी। सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 38,200 के आसपास गोल्ड में सेलिंग की सलाह रहेगी, 37,800 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, और 38,300 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, अब क्या आखिरी कॉल? बुलियन में मुझे लगता है चांदी आउट परफॉर्मिंग करेगी, ऑलरेडी जो हमने टारगेट रखा था ईसीबी की अपडेट के बाद हमने काफ़ी अच्छा जम देख चुके हैं। टाइमिंग मुझे लगता है 47,700-48,000 की रेंज में भी बाई किया जा सकता है, 48,200 तक के टारगेट हम चांदी में देख पाएंगे। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, हिमांशु जी आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।